हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB फ्रीमैन सॉल्यूशन। ओके, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, और उसका एक्सरसाइज 3.2 हम कंटिन्यू कर रहे थे। और हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है, बस टू क्वेश्चंस रह रहे हैं, 14 एंड 15। तो आज के इस वीडियो में ये लास्ट दो क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 में देखिए क्या है, प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो जीवाओं में से जो जीवा केंद्र से कम दूरी पर हो उसकी लंबाई दूसरी जीवा से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे से जब समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जीवा का मतलब कॉर्ड होता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो जीवाओं में जो जीवा केंद्र से कम दूरी पर होती है उसकी लंबाई दूसरी जीवा से बड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे जितना ही केंद्र से नजदीक होता है जो जीवा उतना ही उसकी लंबाई अधिक होती है, और जो जैसे जैसे दूर होता चला जाता है उसकी लंबाई उतनी ही छोटी होती जाती है। तो इसे अगर हम फिगर से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले फिगर कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, तो अगर हमने इस तरह एक सर्कल बना लिया, यहाँ एक सेंटर है, ठीक है, और लेंथ ऑफ ये सेंटर से ज्यादा नजदीक है और ये सेंटर से हमने दूर एक कॉर्ड ले लिया, इसका नाम हमने दे दिया ए बी एंड इसका नाम दे दिया सी डी। टू कॉर्ड्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड नियरर टू सेंटर इज ग्रेटर देन जो दूर है, मतलब कि ये नियरर है सेंटर से, तो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो जो जो दिया हुआ है पहले वो तो हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी क्या है, आर टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स मतलब दो जीवाएं हैं, ठीक है, विद द सेंटर, विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। ठीक है, दो जीवाएं हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ओपी एंड ओक्यू। हमने यहाँ पे दो डिस्टेंस लेना है, एक डिस्टेंस लेना है सेंटर से ओपी एंड दूसरा लेना है ओक्यू। ठीक है, ओक्यू तो लिखेंगे देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर आर ओपी एंड ओक्यू, ओक्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओपी एंड ओक्यू रिस्पेक्टिवली, यहाँ हमने ओ मान लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे, हम किसे ज्वाइन कर देंगे, ओबी एंड ओडी को। लिखेंगे ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ओबी एंड ओडी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, तो ओबी एंड ओडी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब देखो कि ओपी जो है, ओपी ओपी का जो डिस्टेंस है वो कम है, ड्रॉइंग से दिख रहा है, मैं यहाँ ओ लिख देती हूँ, ओपी का जो डिस्टेंस है कम है, हेयर ओपी इज लेस देन ओडी, ओक्यू दिख रहा है कि ओपी इज लेस देन ओक्यू, क्योंकि जो कॉर्ड ए बी था वो नजदीक था सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली कम होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ओपी इज लेस देन ओक्यू। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी इज, यहां लिख देती हूँ मैं, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी ग्रेटर देन सी डी होगा। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, प्रूफ, ओके, यहाँ पे देखो कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ ए बी। ठीक है, जब पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो हम लिख सकते हैं क्या कि पी बी, पी बी इक्वल्स हाफ ऑफ ए बी, जो ये पी बी होगा ये हाफ ऑफ ए बी होगी कि पी इज द मिड पॉइंट है। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर में तो जो डिस्टेंस बनता है जो वो मिड पॉइंट हो जाता है कॉर्ड का, तो पी बी इज हाफ ऑफ ए बी होगा, पी बी आधा होगा पूरे ए बी का। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहां से। अगेन अगेन देखो क्यू इज द, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, क्यू क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, यहां से हमें ये मिल गया।
अब देखो कि एक दो ट्रायंगल्स बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है ओ बी पी और एक बन रहा है ओ डी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी में, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ओ बी जो है, ओ बी का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, या ना पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह इन ट्रायंगल ओ क्यू डी या ओ डी क्यू में देखो, ओ क्यू डी इसमें हमें क्या मिल रहा है कि ओ डी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर, ये ओ डी इक्वल्स ओ क्यू स्क्वायर या डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिला। अब ये जो देखो कि ओपी और ओटी इक्वल है, क्योंकि क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, सेम सर्कल, और रेडियस सेम सर्कल का हमेशा इक्वल होता है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब ये पार्ट इक्वल हो जाएगा तो ये पार्ट भी इक्वल होगा। हाँ, लिखेंगे कि हियर रूट अंडर पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, बिकॉज ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसलिए ये चीज हुआ, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, ये इस तरह हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल था, इधर का पार्ट इक्वल तो इधर का भी पार्ट इक्वल। अब ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये चीज हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखो कि ओपी जो है, ओपी हमने यहाँ लिखा है ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी इज ले एज ओपी इज लेस देन ओ क्यू है, ठीक है, ओपी इज लेस देन ओ क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस पी बी जो होगा इज ग्रेटर देन डी क्यू हो जाएगा, या क्यू डी, क्योंकि ये हमें से छोटा है, ये छोटा है, जब ये छोटा हो गया तो इधर का पूरा पार्ट ज्यादा हो जाएगा, बड़ा होगा, दैट इज हम लिख सकते हैं कि पी बी इज ग्रेटर देन डी क्यू, ठीक है। तो पी बी इज ग्रेटर देन डी क्यू हमें यहां से मिला, ठीक है। जब पी बी इज ग्रेटर देन डी क्यू मिल गया तो पी बी इज इक्वल टू क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है, देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन डी क्यू इक्वल क्या है, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो हम ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है। अब यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ, बहुत ही इजली तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, मतलब कि कॉर्ड जो नजदीक होता है सेंटर का वो बड़ा होता है जो दूर होता है उससे, ठीक है। तो इस तरह मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरा सॉल्यूशन आप लोग को दिखा दे रही हूँ, ओके, ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखिए क्या है, किसी वृत्त के भीतर किसी बिंदु से गुजरने वाली क्षुद्रतम जीवा कौन सी होगी, ये हमें प्रमाणित करना है, ठीक है। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट द कॉर्ड विद द लीस्ट लेंथ थ्रू एनी पॉइंट इन अ सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही एक क्षुद्रतम जीवा होगी, एक कॉर्ड होगा जो सबसे छोटा डिस्टेंस का होगा, ठीक है। तो चलो हमने एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है वृत्त का, सर्कल का। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं ओ, ठीक है, सॉरी ओ, एंड पी इज द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो जो हमने किया पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओ देर इज अ सेंटर, देर इज अ सर्कल, ये मैं आंसर कर रही हूँ, देर इज अ सर्कल विथ द सेंटर ए ओ, विथ द सेंटर ओ, ठीक है, ओ एंड पी, पी इज अ एनी पॉइंट, पी इज अ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे दो क्या खींचेंगे, दो दो कॉर्ड्स खींचेंगे ए बी एंड सी डी, ठीक है। ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी थ्रू थ्रू पॉइंट पी,
थ्रू पी, ठीक है। तो दो कॉर्ड्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पी से, एक हो गया ए बी, इस तरह ले लेते हैं, ए बी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ए बी यहाँ ले लेते हैं, ए बी, और ये हो गया सी डी, टू कॉर्ड्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है कि हमें क्या करना है कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो हेयर हेयर पी इज दी मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ हमने ऐसा लिया है पी पॉइंट कि वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से, ए बी एंड सी डी में से कौन सा जो कॉर्ड है वो छोटा है, ये हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ही है कि आप बताएं कि इसमें से सबसे छोटा जीवा कौन है, छोटा एटलीस्ट कॉर्ड्स कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड दैट विच कॉर्ड इज स्मॉलर स्मॉलर बिटवीन बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से सबसे छोटा लीस्ट कॉर्ड कौन सा है, ठीक है। तो चलो अब हमें एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि ओ से पी को मिलाना है, ठीक है, ओ से पी को मिलाना है, एंड सी डी और क्यू, सी डी पर, सी डी जो रेखा है उस पर क्यू क्यू डी एक लंब, क्यू डी ले सकते हैं या कोई और नाम ले सकते हैं, सी डी पर ओ क्यू एक लंब लेना है, ओ से क्यू तक, ठीक है। तो इस पे एक लंब ले लिया हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ओ क्यू, ठीक है, और यहाँ ओ पी को हमने मिलाया। तीसरा में क्या करना है कि ओ बी और डी को मिला देना है, ओ बी और डी को ऐसे, सॉरी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, इस तरह ओ बी और डी को मिला देना है, थोड़ा अजीब सा बन रहा है बट ये ऐसे ही मिलाना है, ठीक है। तो इस तरह हमें फिगर करना है। अब जो जो हमने किया वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, जॉइन ओपी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक परपेंडिकुलर लिया ओ क्यू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर कुलर ओ क्यू ऑन सी डी, सी डी पर एक परपेंडिकुलर ले लिया ओ क्यू। उसके बाद हमने क्या क्या मिलाया, ओ बी ओ डी एंड ओ पी को मिलाया, ओ बी एंड ओ डी को मिलाया, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ठीक है। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, प्रूफ, ठीक है। ओके, अब प्रूफ में हमें क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी कैसे हो गया, क्योंकि अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। जब कोई लाइन मिड सेंटर से जाता है और वो कॉर्ड की मिड पॉइंट तक पहुंचता है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी होगा, ठीक है। और अगेन हमारे पास क्या है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी है, ठीक है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये लिख सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रचना से, ठीक है, रचना से हमें ये मिला है। ओके, नेक्स्ट देखो कि ओपी जो है, ओपी ओ क्यू से क्या होगा, ग्रेटर होगा हमेशा, ओपी इज ग्रेटर देन ओ क्यू, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे ओ क्यू पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है जिसमें ओपी क्या है, ओपी है आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, लिखेंगे कि एज ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ओपी इज ग्रेटर देन ओ क्यू होगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम द फिगर हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो ए बी कॉर्ड है, ए बी इक्वल्स हम लिख सकते हैं टू टू बी पी,
टू बी पी, क्योंकि जो पी इज द मीड पॉइंट ऑफ ए बी था, तो हम ए बी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, टू इंटू बी पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी पी लिख दिया। अब बी पी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, टू इंटू रूट अंडर, बी पी का वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सा जो साइड है वो क्या है, ओ बी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओपी, ओपी स्क्वायर माइनस ओ की स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ओ बी क्या है, सबसे लंबा है, ठीक है, पर ये है हाइपोटेनस और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर हो गया। अब ओ बी किसके इक्वल में है, ओ डी, क्योंकि कॉर्ड ये क्या है, ओ बी और ओ डी हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू इंटू ओ बी की जगह पे ओ डी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है, ये इसे हम वन नंबर दे देते हैं। उसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली सिमिलरली ए बी हमने निकाला, उसी तरह हम सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल्स क्या होता है, टू टू इंटू क्यू डी हम लिख सकते हैं, क्यू डी, ठीक है। अब टू इंटू क्यू डी हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, क्यू डी ओ डी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, सॉरी ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, क्योंकि ओ डी सबसे लंबी साइड्स है, तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर यहाँ से हमें मिला। ओके इससे हम मान लेते हैं सेकेंड नंबर। अब यहाँ देखो कि फ्रॉम वन एंड टू से हमें क्या मिलेगा, टू इंटू रूट अंडर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज, ओके तो फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या मिला कि ये जो है इतना इज लेस देन टू इंटू रूट अंडर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ये लेस देन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हमने एक प्रूफ करा था कि ओ पी इज ग्रेटर देन ओ क्यू, चूंकि ओ पी इज ग्रेटर देन ओ क्यू है, इसीलिए ये जो पूरा पोर्शन है ओ डी माइनस ओ पी इज लेस देन ओ डी माइनस ओ क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ओ पी क्या है, ग्रेटर देन ओ क्यू था, इस वजह से ये चीजें हुई, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया, ओके देन ये इसका पूरा हमने क्या प्रूफ करा था, ये ए बी का वैल्यू है ना, ए बी दैट इज ए बी इज लेस देन, ये पूरा वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू है, सी डी, ठीक है। तो ए बी इज लेस देन सी डी फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू। तो ये इजली यहां से प्रूफ हो गया कि ए बी इज लेस देन सी डी, यही हमें प्रमाणित करना था कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड। तो लिखेंगे ए बी इज द, ए बी इज द लिस्ट कॉर्ड या स्मॉलेस्ट कॉर्ड, लिस्ट कॉर्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां पे हमें प्रूफ मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रूफ होगा, मैं एक बार और स्क्रॉल कर देती हूँ अच्छे से आप लोग को दिख जाए, ठीक है। होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, एंड चैप्टर फोर की रिक्वेस्ट आ रही है, तो इस ये अब कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर फोर स्टार्ट करने वाले हैं, क्यूबॉइड है आई थिंक। तो चलो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड बाय बाय।